निसर्गदत्ता महाराज हो गए, रमण महर्षि हो गए और पुंजा पापा जी हो गए। इन सब की टीचिंग्स तक पहुंचने में एक व्यक्ति को काफी टाइम लगता है। इनकी टीचिंग्स आपको जल्दी समझ में नहीं आती। वो हम कहते हैं ना कि इनकी टीचिंग्स ये इंस्टेंट आपको चीजें बता देते हैं, और वो इंस्टेंट जो वो चीज बताई है वो आपके ऊपर है कि आप इंस्टेंटली समझ लेते हो या टाइम लगाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, समझते हो चीजों को। अगर कोई मुझसे कहेगा कि इनकी जो ये फिलॉसफी है, निसर्गदत्ता महाराज हो गए, पूज्य पापा जी हो गए, रमण महर्षि हो गए, इनकी फिलॉसफी तक पहुंचने में जन्मों जन्म लग जाते हैं, अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं सच में उस पर बिलीव कर लूंगा, मैं विश्वास मान लूंगा। क्योंकि इनकी टीचिंग्स आपको तभी समझ में आ पाएंगी जब आप सच में बहुत सारी चीजें आप जान कर लास्ट में आप जब नतीजा लेने के लिए आएंगे, जब आप देखने के लिए आएंगे कि एक्चुअल में क्या है, मैं तो इतना कुछ जान चुका, मुझे वो स्टेट चाहिए, तब आपके काम आएंगे ये तीनों ट्रेट, तब आपके काम आएगी। इन्होंने बोला है कि सच में अपने सेल्फ को देख लीजिए, सच में अपने आई को देखिए, सच में अपने मैं को देखिए, या हम कहें सच में अपनी आत्मा को देखिए, और उसमें ही बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाइए, उसको चित्त में करके एकदम फिक्स हो जाइए, परमानेंट हो जाइए। और वो परमानेंट होने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अभी मेरे साथ इस वक्त अपने अंदर एक थॉट नोटिस करो, कोई भी विचार अपने अंदर नोटिस करो और देखो उस विचार को, हु इज द ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्विंग दिस थॉट, कौन ऐसा दृष्टा है जो जो विचार जो तुमने अभी अभी मैंने बोला है, उस विचार को नोटिस करने के बाद ये देखो किस विचार को कौन देख रहा है, कौन दृष्टा है जो इस विचार को देख रहा है। कोई भी विचार आप नोटिस कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर। जब आप देखेंगे, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी, जस्ट कोई सा भी अपने अंदर एक थॉट लेकर आओ, नोटिस करो और देखो इस थॉट को कौन देख रहा है, इस थॉट को भी देखने वाला कौन है। आप देखेंगे आप ब्लैंक हो जाएंगे एकदम से, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम ऐसी स्टेट आ जाएगी, बिल्कुल स्टेटलेस स्टेट, एकदम नथिंग स्टेट आ जाएगी, एकदम वॉइड स्टेट आ जाएगी। यही स्टेट जो है वो आपकी एक्चुअल और असली स्टेट है। इस स्टेट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये ऐसा सबस्ट्रेटम है जो चेंजलेस है, और यही है रियलिटी। और इसी स्टेट को एक्सपेंड करो, इसी में मूव हो, इसी में रहो थोड़ी देर, इसी स्टेट में, इसी स्टेट के साथ जो भी आपको करना है इस स्टेट के साथ करो। ये जो ब्लैंक स्टेट आई है, और ये भी कोई स्टेट नहीं है, ये भी एक बहुत अनंत चीज है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता नहीं लग पा रहा तुम क्या हो, कहां हो, कैसे हो, यही है वो बैकग्राउंड जो चेंजलेस है हमेशा, यही आपकी असली आइडेंटिटी, यही आपका रियल सेल्फ, और यही हो आप, और यहीं पर इसी बैकग्राउंड पर सारी चीजें होती हैं, और यही जो स्टेट है ये कभी नहीं बदलती, कभी अफेक्ट नहीं होती। इसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, खुशियां आ रही हैं, मिट्टी की चीजें बन रही हैं, मिट्टी की चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन ये स्टेट परमानेंट रहती है। और इस स्टेट को बहुत सारे जो योगी वगैरह हैं, जब वो इस स्टेट में बहुत अच्छी तरह अपने आप को साध लेते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, फिर वो जंगलों में निकल जाते हैं, तपस्या करने निकल जाते हैं, ये जहां भी, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेट परमात्मा की स्टेट है, और मैंने बताया आज आप लोग इस स्टेट को लेकर आप आज एक्सपोज हुए हैं इस स्टेट को लेकर। अब आप चाहे कुछ भी मत करना, कोई वीडियो मत देखना, कुछ मत पढ़ना, इस स्टेट में ही रहना,
आप सच में ब्लेस्ड हो चुके हैं। ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ नहीं कह सकता, ये सच्चाई ही है। ये चीज मिलती ही उन लोगों को है जिनका टाइम आ चुका है। टाइम आने का मतलब ये है कि अब आप जो भी करें लाइफ में, आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन अब आपने वो अपना बैकग्राउंड देख लिया है जो एक इनफाइनाइट है। एट लास्ट जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं कोर्स बना रहा हूँ, डिटेल में ये कोर्स होगा। यस, ये कोर्स जो है थोड़ा सा महंगा है, और क्योंकि ये कोर्स अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स होगा। आप चाहें तो इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है, और साथ ही साथ सही मेडिटेशन क्या है, क्योंकि मेडिटेशन एक प्रैक्टिकल चीज है, इसी से ही आप सीखते हैं। मेडिटेशन को लेकर मैं एक कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। ये कोर्स कंप्लीट है, ये कोर्स अगर आप अभी मांगेंगे मैं आपको अभी दे दूंगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।